हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। तो ये इस वीडियो का होगा जो दूसरा पार्ट और राजस्थान सेट के लिए आपका साइकोलॉजी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सवाल देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे और उनके पॉसिबल आंसर देखे थे। इस वीडियो में उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और देखते हैं चंद कुछ और सवालों को। चलिए, लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था प्रश्न नंबर 133, यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त हुई थी। कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स लगाने के लिए मस्तिष्क में, यहाँ पे, ठीक है, वो था आपका स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस। स्टीरियोटैक्सिक उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया ऑफ आई इज कॉल्ड, यानी आपका जो लेंस है और जो कॉर्निया है इसके बीच में क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर, विजुअल येलो, विजुअल पर्पल, रेटिनल फ्लूइड। लेंस और आंख के कॉर्निया के बीच की जगह में मौजूद पारदर्शी द्रव को क्या कहा जाता है? अब आपको थोड़ा और साफ दिख रहा होगा। लेंस और आंख के कॉर्निया के बीच की जगह में मौजूद पारदर्शी द्रव को क्या कहा जाता है? पीला दृश्य, रेटिना द्रव, बैंगनी दृश्य और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चक्षु जल। तो इसको क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर ए, एक्वस ह्यूमर, यानी कि चक्षु जल पाया जाता है कहाँ पे? आपके लेंस और आपके कॉर्निया के मध्य में, लेंस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है। ये भी आपको लेक्चर के थ्रू कवर कराया गया था जब हमने पूरा देखा था आपके आई के वर्किंग का मॉडल, ठीक है। तो रेटिना द्रव यहाँ पे नहीं होगा। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, चक्षु जल। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन पियागेट्स थ्योरी, ठीक है। पियागेट की थ्योरी आपको यूजीसी नेट में पूछी गई और यहाँ पे भी आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, कि पियागेट की थ्योरी में किसका इस्तेमाल यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्कीमाटा, द रियलिटी प्रिंसिपल, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। स्कीमाटा, वास्तविकता सिद्धांत, आत्मसातकरण या फिर समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द रियलिटी प्रिंसिपल। वास्तविकता सिद्धांत जो है ये पियागे के सिद्धांत में घटक नहीं है, है ना। स्कीमाटा है वहां पे, स्कीमा का निर्माण होगा, एसिमुलेशन होगा, आत्मसातकरण होगा सूचना का, और समझौता भी वहां पे, अकोमोडेशन भी होता है पियागेट की थ्योरी के अनुसार, ठीक है। केवल रियलिटी प्रिंसिपल जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर 136 बोलता है द न्यू कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड आर स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग एलिमेंट्री कंप्यूटेशनल यूनिट्स दैट वर्क टुगेदर इन पैरेलल। खालिस्तान नामक क्या कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक संगणनात्मक इकाइयों वाली संरचनाएं हैं जो एक साथ समांतर काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिता, बुद्धिमता, फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, तंत्रिका नेटवर्क या फिर नजरिया माइंडसेट, ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा वो होगा आपका तंत्रिका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मध्य में। ए और सी में से आपको कुछ एक आंसर होना चाहिए। यह फंक्शनल फिक्सनेस बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही ये माइंडसेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? दैट वर्क टुगेदर इन पैरेलल, ठीक है। द न्यू कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे नवीन कंप्यूटर सिस्टम जो है क्या करते हैं ये? एलिमेंट्री आर स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग एलिमेंट्री कंप्यूटेशनल यूनिट्स, प्राथमिक संगणनात्मक इकाइयों वाली संरचनाएं हैं जो एक साथ कैसे काम करती है? समांतर काम करती है। तो आपका ए एंड सी में से आपका एक आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे, प्रश्न नंबर 137। वैसे तो इसका तंत्रिका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सही है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन देखते हैं प्रश्न नंबर 137। यहाँ पे देखिए डैश अप्रोच सजेस्ट दैट फॉर क्रिएटिविटी टू अकर मल्टी कंपोनेंट मस्ट बी कवर्ड, ठीक है। मल्टी फैक्टर ट्रायआर्किक कन्फ्लुएंस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। खालिस्तान दृष्टिकोण का सुझाव है कि रचनात्मकता के लिए बहु घटक को शामिल किया जाना चाहिए। बहु कारक यहाँ पे होना चाहिए, बहु घटक, त्रिकोणीय सम्मिलन और सूचना प्रसंस्करण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लुएंस यानी सम्मिलन की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। आपके एक आती है कौन? आपकी आती है टेरेसा एमावीर, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बातें करती हैं, ठीक है, कि क्रिएटिविटी टू अगर मल्टी कंपोनेंट मस्ट बी कवर्ड। क्रिएटिविटी का होने के लिए, सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता को होने के लिए क्या होना चाहिए? बहु घटक को शामिल किया जाना चाहिए। किस अप्रोच के अंदर होता है? आपकी
कन्फ्लुएंस अप्रोच के अंदर होता है ना। सबका क्या होना चाहिए, सम्मिलन होना चाहिए अलग अलग घटकों का, वहां पे मल्टी कंपोनेंट्स का क्या होना चाहिए, वहां पे कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जब एक चीज यहां से आ रही है, एक चीज यहां से आ रही है, जब यहां पे आके मिलती है, तो एक प्रकार से जो आप संगम कहते हैं, सम्मिलन, वही चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, ये होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर देखिए अगला प्रश्न, एक्सॉन फ्रॉम द गैंग्लियन सेल्स कन्वर्ट्स टू फॉर्म डैश एंड कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। ठीक है, बाइपोलर सेल, फोविया, ऑप्टिक नर्व या फिर ब्लाइंड स्पॉट। नाड़ी ग्रंथि कोशिकाओं से अक्षतंतु मिलकर खालिस्थान बनते हैं और दृश्य सूचना को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। क्या ये बाइपोलर सेल्स होते हैं, द्विध्रुवी कोशिकाएं होती है, क्या ये लघु कोटर है, फोविया है, क्या ये अंधस्थान है, क्या ये दृष्टि तंत्रिका है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि तंत्रिका। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है आपके गैंग्लियन सेल, यहाँ देखिए कन्वर्ज टू फॉर्म, ये सब क्या बनाती है फिर बाद में, मोटे मोटे ऐसे यहाँ पे क्या बनाती है, इस प्रकार के ऐसे बड़े बड़े बंडल बनाती है, और उसी बंडल को क्या कहा जाता है, आपका दृष्टि तंत्रिका यहाँ पे कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी कवर होती है। और उसी के साथ आपको एक जानकारी सूचना कि हम कराते हैं आपकी तैयारी किसके लिए, यूजीसी नेट, और आपके जो सेट एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है हमारे द्वारा, कोर्सेज का संचालन होता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिक नर्व। ये पूछ रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 128 में, सामान्य परिस्थितियों में, और आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, सामान्य परिस्थिति में मस्तिष्क के दो गोलार्ध एक दूसरे के साथ खालिस्थान से संवाद करते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू। ठीक है, तो ये आपका एक गोलार्ध, ये आपका एक गोलार्ध, ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डेंड्राइट्स तो यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपका आ गया सेंट्रल हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, और ये क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो ये भी नहीं है, मध्य गोलार्ध भी नहीं है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, जो मार्क्ड है यहाँ पे, कॉर्पस कोलासम। ठीक है, इसी की मदद से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो गोलार्ध है, दायां और बायां गोलार्ध, ये क्या करता है, संवाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 127, एक अच्छे क्वालिटी का सवाल। आ जेनेटिकली इनहेरिटेड इंपेयरमेंट इन द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इज, आनंद का अनुभव करने की क्षमता में अनुवंशिक रूप से विरासत में मिली क्षति खालिस्तान है। ठीक है, मान लीजिए आपको आनंद आता है आइसक्रीम खा के, ठीक है, आइसक्रीम है आपकी वो स्ट्रॉबेरी वाली है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है आपको वहां पे, आनंद आना जो है, आनंद का अनुभव करने की क्षमता में क्या है आपको, अनुवंशिक रूप से विरासत में आपको क्षति मिली हुई है। ठीक है, यानी कि आपके दादाजी से लेके नीचे आपके चले आ रहा है ये। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्या ये कोई भ्रम है, क्या ये कोई भ्रम हो सकता है, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, क्या ये संचलन की धारणा हो सकती है, क्या ये मिस इंटरप्रेट रिवॉर्डिंग फीडबैक, पुरस्कृत प्रतिभाव की गलत व्याख्या, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली देखिए सवाल ही आपको उत्तर दे रहा है, अगर आपने केवल सवाल को आराम से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट आंसर क्या है आपका, हाइपोकेडोनिया। ठीक है, हाइपोकेडोनिया जो है ये इसका सही उत्तर है। इसमें क्या होता है आपको, आनंद का जो अनुभव है, ठीक है, इंपेयरमेंट इन द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, प्लेजर जो है उसका आप आनंद का अनुभव वहां पे नहीं कर पाएंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपोकेडोनिया। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126 में क्या कह रहे हैं, डैश इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंडक्ट द एक्शन ऑफ पोटेंशियल, अच्छा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से आपका जो है सोमा जो है उससे कहाँ दूर लेके जाता है, कौन लेके जाएगा, डेंड्राइट्स, नर्व्स, एक्सॉन, साइनेप्स। डेंड्राइट्स, तंत्रिकाएं, अंतर्ग्रंथन या फिर अक्षतंतु। ऑप्शन नंबर सी जो है एक्सॉन जो है ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अक्षतंतु जो है इसका सही उत्तर होगा एक्सॉन, यहाँ पे राइट आंसर होता है। डेंड्राइट्स तो सूचना लेते हैं, नर्व्स तो यहाँ काम ही नहीं करेंगी, और यहाँ पे सिनेप्स जो है ये तो आगे जाके आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन डेंड्राइट्स सूचना आएगी यहाँ सोमा के पास, और सोमा से कौन लेके जाएगा, आपका अक्षतंतु लेके जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 कहता है, व्हेन अ न्यूरॉन इज रेस्टिंग एंड नॉट कंडक्टिंग अ नर्व इंपल्स द इनसाइड ऑफ द सेल हैज, जब एक न्यूरॉन विश्राम कर रहा होता है और तंत्रिका आवेग का संचालन नहीं कर रहा होता है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है। ऐसे बोल रहे हैं न्यूरॉन विश्राम कर रहा होता है जैसे कोई दोस्त है और गेस्ट हाउस में आके विश्राम कर रहा है। ठीक है, तटस्थ विद्युत आवेश, आवेश आवेग,
ऋणात्मक विद्युत आवेश, धनात्मक विद्युत आवेश इनमें से कोई नहीं। ठीक है, व्हेन अ न्यूरॉन इज रेस्टिंग एंड नॉट कंडक्टिंग अ नर्व इंपल्स उसके अंदर नहीं चल रहा, द इनसाइड ऑफ द सेल हैज अ क्या होता है वहां पे, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, कई बार बताया है ये। ठीक है, इस प्रकार से चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है किसी भी सेल के अंदर जब क्या हो रहा है, जब न्यूरॉन जो है आपका विश्राम कर रहा है। बाहर मिलता है आपको पॉजिटिव और अंदर मिलता है आपको नेगेटिव, और ये काम करता है आपका न्यूरॉन इस प्रकार से। ठीक है, ओके। और कब, लेकिन जब क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेस्टिंग अवस्था में है, जब विश्राम है। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो चीजें चेंज होती हैं, बदलाव होता है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा कोर्स, और ये हो गया थोड़ा सा प्रमोशन। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 124 क्या बोल रहा है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 124 बोलता है कि विच सेल इमिजिएटली सराउंड्स द सेल बॉडी, कौन सा सेल कोशिका पिंड को, कौन सी कोशिका तुरंत घेर लेती है, डेंड्राइट्स, कोशिका झिल्ली, अक्षतंतु, तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे क्या सही उत्तर है आपका, डेंड्राइट, सेल मेम्ब्रेन, एक्सोन सेल या फिर नर्व सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेंड्राइट्स तो आपको इन्फॉर्मेशन ले रही है, एक्सोन भेजेंगी, नर्व सेल तो सेल ही है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है इसको कवर रखती है आपकी जो सोमा है उसको। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल बॉडी, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123, विश्वसनीयता की अर्धविच्छेद विधि में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है। द फॉर्मूला यूज इन स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी इज रुलॉन फॉर्मूला, स्पीयरमैन ब्राउन फॉसी फॉर्मूला, फ्लैंगन फॉर्मूला, किंडर रिचर्डसन। रुलॉन सूत्र, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र, फ्लानागन सूत्र और किंडर रिचर्डसन सूत्र। यहाँ पे किंडर रिचर्डसन की जगह आप यहाँ पे किंडर गार्डन भी लिख देते तो भी चल जाता, यहाँ पे कोई उसको मार्क नहीं करता। ठीक है, सही उत्तर क्या है आपका, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला, और यहाँ किंडर नहीं, यहाँ पे कूडर होना चाहिए। ठीक है, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला की बात हो रही है। तो विच फॉर्मूला यूज इन स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी इज, किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 122 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट और डिसऑर्डर। ठीक है, डैश इज अ सक्सेसफुल ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। ADHD के ट्रीटमेंट के लिए इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक सफल दवा कौन सी है। ये सभी नहीं है, डोपामिन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं है। सबसे सफल दवा कौन सी होती है आपकी, आपकी ये होती है रिटालिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है आपका रिटालिन। इसका और नाम क्या है आपका, मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, अगर कभी आपको एग्जाम में अगली बार मिथाइल फेनिडेट दे दें तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, ये क्या होता है, यही आपका रिटालिन है। ठीक है, एक ही चीज है, और रिटालिन जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी रिसर्च मेथड्स आ जाइए, धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। डैश कंसिस्ट ऑफ एन आर्बिट्री जीरो, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, रेशियो डेटा, इंटरवल डेटा, नॉमिनल डेटा। ठीक है, खालिस्तान में एक स्वेच्छ शून्य होता है, नाम मात्र डेटा में, क्रम सूचक में, अनुपात में, अंतराल में, कहाँ पे मिलेगा आपको ये मिलेगा आपको हमेशा अंतराल डेटा में मिलेगा, आर्बिट्री जीरो। ठीक है, स्वेच्छ शून्य कहाँ मिलेगा आपको, हमेशा आपको इंटरवल डेटा के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आप 100 डिग्री भी हो सकती है और -2 डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 84। पीपल हाई ऑन डैश डायमेंशन एंगेज इन रिस्किंग और डेंजरस बिहेवियर टू ऑब्टेन स्टिमुलेशन। खालिस्तान में उच्च परिमाण वाले लोग उत्तेजना प्राप्त करने के लिए जोखिम या खतरनाक व्यवहार में संलग्न होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सेंसेशन सीकिंग, अचीवमेंट मोटिवेशन, अंतः प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, सनसनी की खोज, उपलब्धि की प्रेरणा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी सेंसेशन सीकिंग, सनसनी की खोज हमेशा यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, तो सनसनी की खोज में उच्च परिमाण वाले लोग, ऐसे लोग जो हाई किस पे है आपके, कौन से डायमेंशन में है, सेंसेशन सीकिंग के, सनसनी की खोज में है ना, एंगेज करेंगे किसमें हमेशा, रिस्की और डेंजरस व्यवहार में, किसके लिए, प्राप्त करने के लिए आपका, उत्तेजना प्राप्त करने के लिए, स्टिमुलेशन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उपलब्धि की प्रेरणा ये उत्तर नहीं होगा, राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी सनसनी की खोज। ठीक है, ये निकल के आती है आपकी कहाँ से, आपकी जकरमैन सेंसेशन सीकिंग। ठीक है, नेट में भी इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछता है, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 86, द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस हैज बीन रिनेम्ड एज।
पेरिफेरल फीडबैक, द कंट्रोल फीडबैक, जेम्स लैंग कैनन बार्ड व्यू। ठीक है, सभी को मालूम है इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, गॉन प्रतिभाव, पेरिफेरल फीडबैक। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गॉन प्रभाव इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई कंट्रोल फीडबैक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कैनन बार्ड के विचार भी नहीं है और जेम्स लैंग के विचार भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल फीडबैक इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल की ओर, और प्रश्न नंबर 87 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे डैश इज अ स्ट्रेटेजी एज अ बफर अगेंस्ट रिडक्शन इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, खालिस्तान जो है इनमें से आंतरिक प्रेरणा में कमी के विरुद्ध बफर के रूप में एक रणनीति है। आंतरिक शरीर संकेत, स्वयं के द्वारा बाधा डालना, स्वयं सहायता संकेत, इनमें से कोई नहीं। सही इसी बात है, राइट आंसर क्या है आपका, सेल्फ हैंडीकैप। स्वयं को क्या कर लेते हैं आप, स्वयं को हैंडीकैप कर देंगे, स्वयं के हाथ बांध लेंगे, स्वयं के द्वारा बाधा डालेंगे आप, तो इससे क्या होगा, आंतरिक प्रेरणा में कमी के विरुद्ध बफर के रूप में एक रणनीति है। सेल्फ हैंडीकैपिंग एज अ स्ट्रेटेजी एज अ बफर अगेंस्ट रिडक्शन इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या कर लेंगे आप यहाँ पे, कम कर लेंगे, कैसे करके, स्वयं को हैंडीकैप करके, सेल्फ हैंडीकैपिंग करके। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, और यहाँ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्न नंबर 88 में, व्हेन अ पर्सन विशेस टू ईट केक बट एट द सेम टाइम फियर्स वेट गेन, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज दिस। ठीक है, यहाँ पे आपका जब कोई व्यक्ति केक खाना चाहता हो लेकिन साथ ही वजन बढ़ने से डरता हो, तो यह किस प्रकार का टकराव है। एक तरफ क्या हो रहा है उसको, यहाँ पे अप्रोच हो रही है, एक तरफ दृष्टिकोण हो रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है, वहां पे परिहार हो रहा है। अप्रोच जो है केक है, गेन वेट जो है अवॉइडेंस करना है, अवॉइड करना है, परिहार करना है उसका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिकोण परिहार टकराव, ये होगा इसका सही उत्तर। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 89 के ऊपर, ये क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन ऑफ विच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव इमोशन। ठीक है, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट एमिग्डाला पोस्टीरियर, दाया गोलार्ध, बाया गोलार्ध, पश्च क्षेत्र, प्रमस्तिष्क खंड, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होना चाहिए आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, बाया गोलार्ध। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आपको, पॉजिटिव इमोशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ विच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव इमोशन, ये कब होगा आपके, बाया गोलार्ध, लेफ्ट हेमिस्फीयर के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 90, इफ डिप्रेशन इज इमोशनल सिंक होल ऑफ लाइफ, डैश इज लाइफ इमोशनल रोलर कोस्टर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, लर्न हेल्पलेसनेस, मेजर डिप्रेशन। यदि निराशा जीवन का क्या है, भावनात्मक गर्त हो, तो डैश जो है जीवन का भावनात्मक रोलर कोस्टर है। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, सही है, कोई मेनिया नहीं है, ये अधिगत असहायपन भी नहीं है, व्यक्त लाचारी भी नहीं है, और मेजर डिप्रेशन प्रमुख ऐसा कोई अवसाद भी नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, आपको लाइफ लगता है एक सामयिक रूप से क्या चल रही है आपकी, भावनात्मक रोलर कोस्टर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 91, द कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, नेट सेट की, तो ये चीज तो आपको बननी ही चाहिए, हाईली पॉजिटिव नहीं, हाईली नेगेटिव नहीं, जीरो तो बिल्कुल नहीं, और क्या है राइट आंसर यहाँ पे, पॉजिटिव टिल स्पेशल स्टेज, विशेष चरण तक सकारात्मक रहती है। ठीक है, आई भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा, लेकिन उस एक अवस्था के बाद क्या हो जाएगा, इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच कैसा सहसंबंध है, कैसा कोरिलेशन है आपका, विशेष चरण तक सकारात्मक, एक स्टेज तक कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा इनके बीच में। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम अगला सवाल, यहाँ पे देखिए अगला सवाल प्रश्न नंबर 92, द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कितनी ही बार आपने पढ़ा होगा, अनुभूति और भावना पर जोर देने वाली भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजिंग ऑन कॉग्निशन एंड इमोशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय गोलमैन, सालोवे एंड मायर्स, भाटिया, विलियम स्टर्न। गोलमैन, सालोवे एंड मेयर्स, भाटिया, विलियम स्टर्न, राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सालोवे एंड मेयर्स। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। गोलमैन ने क्या किया है, इसको पॉपुलर किया, पहले लेके कौन आया, लेके आए आपके यहाँ पे सालोवे एंड मेयर, पॉपुलर किया उन्होंने किसके बाद आपको, गोलमैन ने पॉपुलर इसको किया। अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 93, स्पीयरमैन, अब यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, स्कैन करिए, और स्पीयरमैन प्रपोज द जी एंड एस फैक्टर इन हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है, हिज थ्योरी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन फैक्टोरियल। अरे ये कैसे बात हो सकती है, उनके सिद्धांत को गैर तथ्यात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो तो जोर ही इस बात पे दे रहे थे फैक्टर्स के ऊपर। स्पीयरमैन ने बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में जी एवं एस कारक प्रस्तावित किए, बिल्कुल सही बात है, मतलब ए सही है और आर गलत है, कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी
ए सही है लेकिन आर गलत है, डी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अब चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज विलियम्स सिंड्रोम, ठीक है, विलियम सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे विलियम सिंड्रोम क्या है, निम्न बुद्धिमत्ता हैव लो आईक्यू बट अनयूजुअल म्यूजिकल टैलेंट, लेकिन असामान्य संगीत प्रतिभा है, ठीक है, बुद्धिमानी में लोग 70 के लगभग आसपास ऐसे कुछ रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे निम्न बुद्धिमत्ता है उनकी, ठीक है, हैव लो आईक्यू, आईक्यू लो है लेकिन अनयूजुअल म्यूजिकल टैलेंट, संगीत में एकदम विशारद होंगे लेकिन असामान्य संगीत प्रतिभा इनके अंदर होगी, ठीक है, ये है आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 94 का। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, अगला सवाल यहाँ बोल रहा है आपसे विच वाइल कंप्यूटिंग मेंटल एज, क्या निकालनी है आपको, मेंटल एज, द पॉइंट वेयर द चाइल्ड पासेस ऑल आइटम्स इज कॉल्ड सीलिंग एज, बेसल एज, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु की गणना करते समय वह बिंदु क्या कहलाता है जहां बच्चा सभी वस्तुओं को पास कर लेता है, ठीक है, उच्चतम आयु, आधारिक आयु, मानसिक आयु, कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आधारिक आयु, बेसल एज यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज तो हो ही नहीं सकता, सीलिंग एज और बेसल एज बच गया, तो इसमें से राइट आंसर क्या है आपका, आधिकारिक आयु होगा बेसल एज, यहाँ पे क्या हो रहा है सभी वस्तुओं को पास कर लेता है, ऐसा नहीं है कि सभी को गलत कर रहा है, तो सीलिंग एज कब आता है जब आपकी गलत होता है सभी आइटम्स, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, तो बेसल एज आएगा आपका इसका राइट आंसर जब क्या कर लिया उसने सारे आइटम्स को वहां पे पास कर लिया है, वह बिंदु क्या कहलाता है जहां बच्चा सभी वस्तुओं को पास कर लेता है, वो कहलाती है आधारिक आयु। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 में मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट वन में टेट्राड इक्वेशन दी हुई है, रेशियो आईक्यू दिया हुआ है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दिया हुआ है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, चतुष्कोणीय समीकरण, बुद्धिमत्ता अनुपात, स्पष्ट बुद्धिमत्ता, गैर मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, आरपीएम दिया है, केटल दिया है, स्पीयरमैन दिया है, बेनेट दिया हुआ है, सब चीज आपको कराई हुई है, चलिए उसके आधार पर देखते हैं उत्तर क्या है, आपको ये मालूम है रेशियो आईक्यू किसने दिया है, बुद्धिमत्ता अनुपात किसने दिया है, बेनेट ने आपको दिया है ये, ठीक है, फोर बी के साथ कहाँ मैच करेगा, यहाँ पे कर रहा है दो जगह पे, या आंसर क्या है, या तो ए है या फिर सी है, उसके बाद करें आपका यहाँ पे कि आपको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में कौन बात करता है, ये बात कौन करते हैं आपके, ये बात करते हैं आपके केटल, यानी कि सी के साथ टू, सी के साथ टू आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, और टेट्राड इक्वेशन की बात कौन करते हैं आपके, स्पीयरमैन करते हैं, यानी कि ए के साथ क्या जाएगा, ए के साथ जाएगा आपका थ्री, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए पॉसिबली, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ए के साथ थ्री, टेट्राड इक्वेशन तो आपको मालूम है स्पीयरमैन ने दी हुई है, ए के साथ थ्री जाएगा, बी के साथ रेशियो आईक्यू भी देखिए बिनी ने दिया है फोर, यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, सी के साथ देखिए वन बोल रहे हैं यहाँ पे, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस RPM, ठीक है, तो इनके मुताबिक क्या होना चाहिए आपका, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जाना चाहिए आपके आरपीएम के साथ और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जाना चाहिए आपके केटल के साथ, ठीक है, तो मान लेते हैं इसी को सही, लेकिन क्या है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, केटल के साथ हो सकता है, डी के साथ टू, लेकिन ये आपका आरपीएम के लिए नहीं, ये आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस, खैर वो सब जाने दीजिए, ये होगा आपका पॉसिबली राइट आंसर ए जो है, पॉसिबली राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ए के साथ थ्री, टेट्राड के साथ स्पीयरमैन, रेशियो के साथ बिने, क्रिस्टलाइज के साथ आपका आरपीएम और नॉन वर्बल के साथ आपका टू केटल, ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 97, अब ये स्टेट एग्जामिनेशन है, एक दो सवाल आपको देखने मिलेंगे इस प्रकार के, इन डैश डिसऑर्डर द होस्ट पर्सनैलिटी अपियर प्राइमरी आइडेंटिटी वाइल अल्टर पर्सनैलिटी विल अपियर टाइम टू टाइम, खालिस्तान विकार में मेजबान व्यक्तित्व जो है प्राथमिक पहचान प्रकट करता है जबकि परिवर्तित व्यक्तित्व समय समय पर प्रकट होता है, ये किसका उदाहरण है, ये आपका विभाजित व्यक्तित्व का उदाहरण है, स्प्लिट पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, वेट यहाँ पे इन्होंने दिया है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वियोजित पहचान भी दिया हुआ है, तो बी और सी में से ये कुछ आपको उत्तर देंगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनमें से आपको कुछ उत्तर दिया जाए, ठीक है, तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, इन डैश डिसऑर्डर द होस्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि इसी का एक प्रकार है, ठीक है, तो थोड़े से ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी या सी में से बी विभाजित व्यक्तित्व जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेजबान व्यक्तित्व प्राथमिक पहचान प्रकट करता है जबकि परिवर्तित व्यक्तित्व समय समय पर प्रकट होता है।
अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 98 क्या बोल रहा है। इफ अ चाइल्ड मेंटल एज इज 8 एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज 8 देन इज आई क्यू विल बी 120, 100, 105, 115। 100 जो है बिल्कुल करेक्टली मार्क्ड है यहाँ पे। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 8 है, फॉर्मूला लिख लेते हैं एम ए अपॉन सी ए गुणा 100। मानसिक आयु कितनी है, 8 है। कालानुक्रमिक आयु कितनी है, वो भी 8 है ना। उसका आई क्यू कितना होगा, उसका आई क्यू होगा आपका 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 99। गिलफर्ड्स पायलट टाइटल टेस्ट मेजर्स, क्या मेजर करता है ये गिलफर्ड का जो पायलट टाइटल टेस्ट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट क्रिएटिविटी थिंकिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी। अब सारी सोच, अभिसारी सोच, रचनात्मकता सोच, संज्ञानात्मक क्षमता सोच। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता क्या ये मेजर करेगा, तो मेजर करता है ये संज्ञानात्मक क्षमता, नहीं अभिसारी सोच, नहीं अभी तो आप अभी सोच रहे हैं ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग बताया हुआ है ये नहीं करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं करेगा। क्या करेगा ये आपका अपसारी सोच, कितना डाइवर्जेंस आपका है सोच के अंदर, कितनी डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं आप, वो मेजर करता है आपका गिलफर्ड का पायलट टाइटल टेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 100 की। प्रश्न नंबर 100, इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन एम्फेसाइजेस ऑन कनेक्टिविटी ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता भारतीय परंपरा में संज्ञानात्मक गैर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की संयोजकता पर जोर देती है, वह खालिस्तान बुद्धिमत्ता कहलाती है। अभिन्न सामाजिक तकनीकी कंप्यूटर, ये तो मतलब ऑप्शन ही क्यों दे दिए इन्होंने, तकनीकी कंप्यूटर की बात ही नहीं होगी ना ही ये सोशल है। किसकी बात करता है, इंडिया में आपके इंडियन पर्सपेक्टिव से आपके इंटीग्रल अभिन्न आपके बात करता है इंटेलिजेंस के बारे में। अब देखते हैं अगला सवाल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 101। हु इज द मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, सबको मालूम है अब्राहम मेस्लो। ठीक है, थर्ड फोर्स कौन सी है आपकी, आपकी है ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी अप्रोच। तो मानवतावादी अप्रोच की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड आएंगे क्या, नहीं। विलियम जेम्स आएंगे क्या, नहीं। एडवर्ड टिशनर आएंगे क्या, नहीं। कौन आएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम मास्लो इसके साथ आएंगे। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इंट्रोवर्जन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ, किसके साथ होगा ये, सोशल एक्टिविटी, इंटेलिजेंस, मोबिलिटी या फिर थॉटफुलनेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर्मुखता किससे सकारात्मक रूप से संबंधित है, सामाजिक गतिविधि से कैसे हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुख है तो ये नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता हो सकता है, ठीक है, गतिशीलता, मोबिलिटी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी विचारशीलता भी दिया हुआ है, थॉटफुलनेस तो अब वो उनके ऊपर है किसमें आपको देना चाहेंगे वो। ठीक है, इंटेलिजेंस के साथ भी करेगा ये, आपके थॉटफुलनेस विचारशील कितना हो सकते हैं आप, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा अंतर्मुख होता है, ज्यादा चुप रहते हैं, विचार वगैरह ज्यादा करते हैं, थॉटफुलनेस हो सकता है, और उनकी बुद्धि भी स्ट्रांग होती है, मतलब अच्छी होती है उनकी बुद्धि अंतर्मुख व्यक्तित्व वाले लोगों की। ठीक है, तो ये आपका बी के साथ भी जा सकता है, डी के साथ भी जा सकता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। हमारे हिसाब से वैसे इंटेलिजेंस के साथ जाना चाहिए इसको, सेफ साइड पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डी नहीं हो सकता, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो डी होता, लेकिन देखते हैं अभी आगे। ठीक है, ओके, तो बी और डी में से अगर आपने मार्क किया है तो चांसेस हैं कि आपका सही होगा आंसर, लेकिन बी की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब अगला देखिए प्रश्न 103 नंबर पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं द टू इंपॉर्टेंट आर्केटाइप्स इन जंग्स थ्योरी आर, यंग के सिद्धांत, यंग जंग के सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण आदि रूप कौन से हैं, एनिमस एंड एनिमा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन। किसकी बात करते हैं ये बात करते हैं एनिमस एंड एनिमा की, एनिमस एनिमा फेमिनाइन मेस्कुलाइन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल प्रश्न नंबर 104। हु प्रपोज द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हु प्रपोज द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस, फ्रॉइड, जंग, अल्पोर्ट, एडलर। सामूहिक अचेतन शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था, फ्रॉइड, यंग, अल्पोर्ट, एडलर, किसने दिया था कलेक्टिव कॉन्शियस, अभी अभी ऊपर देखा आपने, जंग बात करते हैं उसकी, काल जंग। ठीक है, फ्रॉइड नहीं, अल्पोर्ट नहीं, एडलर नहीं, कौन बात करेंगे इसकी आपके, ये बात करेंगे आपके काल जंग। ठीक है, ओके, अब देखिए अगला सवाल इसके नीचे प्रश्न नंबर 105 दिया हुआ है। द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मेजर्स, क्या मेजर करता है, अनकॉन्शियस मोटिव, सरफेस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, डेप्थ एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। शब्द साहचर्य परीक्षण किसका मापन करता है, अचेतन मकसद का, व्यक्तित्व का सतरी पहलू, व्यक्तित्व का गहरा पहलू, व्यक्तित्व का समग्र पहलू, किसका मेजर करता है ये, ऑप्शन नंबर ए अचेतन मकसद का ये मेजर करता है। अनकॉन्शियस मोटिव्स, क्या मोटिवेशन है आपका पीछे है ना, उनको मेजर करता है आपका ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 106। द माल फंक्शनिंग ऑफ डैश डिस्टर्ब्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डक्ट ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल ऑफ दीज। खालिस्तान के खराब होने से व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है, वाहिनी ग्रंथियां,
वाहिनी हीन ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सभी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यहीं से क्या निकलते हैं आपके आपके हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 107। ट्रेड थ्योरी अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस बाय केटल, आइजेंक, अल्पोर्ट, कार्ल रॉजर्स। ट्रेड विशेषता सिद्धांत दृष्टिकोण किसके द्वारा पेश किया गया था? सबसे पहले मालूम होगा आप लोग को ये पेश किया गया था किसके द्वारा, आपके अल्पोर्ट द्वारा पेश किया गया था ना, अल्पोर्ट द्वारा सबसे पहले ट्रेड थ्योरी अप्रोच इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। अब देखिए अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू मास्लो, आफ्टर ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स वी मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक। वी ऑफन फियर अवर बेस्ट साइड, अवर टैलेंट्स, अवर फाइनेस्ट इंपल्सेस, अवर क्रिएटिवनेस। ठीक है, मास्लो के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह अपने आप नहीं होता। बिल्कुल ये सही बात है। हम अक्सर अपने सर्वोत्तम पक्ष, अपनी प्रतिभाओं, अपने बेहतरीन आवेगों, अपनी सृजनात्मकता से डरते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण है नहीं वैसे। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 109 जो थोड़ा सा गलत है सवाल, उसको देखते हैं। द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन सेल्फ सिस्टम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, परसेप्शन ऑफ अदर्स, जनरल ट्रेड। स्वप्रणाली, आत्मबोध, दूसरों की धारणा, सामान्य लक्षण। वैसे तो ये आपका होना चाहिए 1 एंड 2, 2 एंड 3, वैसा वाला सवाल होना चाहिए जैसा आपके नेट में आता है, लेकिन या फिर उनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे हटा देना था, क्योंकि आपकी जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ये आपका इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी डिपेंड करती है। और ये सेल्फ सिस्टम क्या है? स्वप्रणाली, खुद को रेगुलेट करना, वो सब चीज़ें आ सकती हैं सेल्फ सिस्टम। तो यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है ना, यहाँ पे सही उत्तर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर क्या बताते हैं आपको कि आपका एनवायरमेंट भी आ जाएगा, आपका कॉग्निशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें जब यहाँ पे चल रही है, एनवायरमेंट चल रही है साथ में और कॉग्निशन चल रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी चीज़ दोनों बता नहीं पा रही है। सेल्फ सिस्टम में आपका सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एनवायरमेंट कैसे आएगा, सोशल सोशल सोसाइटी कैसी आएगी आपकी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये तो मतलब खैर छोड़ ही दीजिए, और परसेप्शन ऑफ अदर्स में चलिए मान लीजिए सोशल आ गया तो, लेकिन सेल्फ कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब सवाल जो है इसका हम वेट करते हैं, मे बी शायद ये ड्रॉप करें इसका, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ भी एक सही उत्तर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वुड मेक यूज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स रिलाइज ऑन अनकवरिंग अनकॉन्शियस कंटेंट। साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी प्रक्षेपी तकनीकों का अधिक उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, छुपी हुई चीजें हमको निकालनी है। प्रक्षेपी तकनीक अचेतन सामग्री को उजागर करने पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 111। द चिल्ड्रन फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, बाल हताशा परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था? केटल रोसनवेक, अल्पोर्ट रोशाक, केटल रोसनविश, अल्पोर्ट रोशार्श। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोसनविश। अब देखिए अगला सवाल। द वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द एंटीसीडेंट कंडीशंस आर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, रिलेवेंट, या फिर मॉडरेटर वेरिएबल्स। पूर्ववर्ती स्थितियों में परिवर्तनों से प्रभावित चर कौन से हैं, कौन से होंगे? ये होंगे आपके आश्रित चर, ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि पहले क्या कर रहे हैं आप, कंडीशन में इफेक्ट डाल रहे हैं आप, वेरिएबल अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एंटीसीडेंट कंडीशन। पहले कोई कंडीशन थी उसको क्या करेंगे आप, मैनिपुलेट करेंगे, उसको फर्क पड़ेगा। उसके बाद किस पे फर्क पड़ेगा? आपके डीवी में, आपके आश्रित चर में यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर होता है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, आश्रित चर। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 113। डैश डिवाइडेड फील्ड स्टडीज इंटू टू टाइप्स। किसने फील्ड स्टडी को दो भागों में डिवाइड किया? चैपलिन, अंडरवुड, डिमाटो, कार्ड्स। खालिस्थान ने क्षेत्र अध्ययनों के दो प्रकारों में विभाजित किया है। सिंपल सा है, आपके कार्ड्स ने इसको विभाजित किया। फील्ड स्टडी को दो भागों में, चैपलिन नहीं होगा, अंडरवुड नहीं होगा, डामाटो नहीं होगा, कार्ड्स ने इसको किया था। अगला देखते हैं अगला सवाल, और अभी के लिए आपका अंतिम सवाल। स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्टेक्स इज रिकॉर्डेड बाय, थोड़ी देर पहले बताया अभी आपको या लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रो एनालोग्राम, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नन ऑफ दीज। कॉर्टेक्स की तात्कालिक विद्युत गतिविधि को खालिस्थान द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है आपके? इसको रिकॉर्ड किया जाता है आपके इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम के द्वारा।
कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है कॉर्टेक्स में, उसको कैसे हम मेजर करेंगे, आपको ईईजी से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। हमने बात किया है कुछ पॉसिबल आंसर्स के आपके राजस्थान सेट के बारे में, जो आपका एग्जामिनेशन हुआ 26 मार्च को, राजस्थान सेट 2023। तो ये था आपके लिए किस प्रकार के सवाल आए, ये था आपके लिए क्वेश्चन पेपर, ये था आपके लिए छोटा सा एनालिसिस, ये थे आपके लिए आंसर की, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का पार्ट टू। अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपके लिए वेबसाइट, वेबसाइट नहीं, आपके लिए लिस्ट बनी है आरजे सेट 2023 करके, उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे लास्ट ईयर पूछे हुए, मतलब जब एग्जाम हुआ था तब, और उसके बाद आपको इस वीडियो का पहला पार्ट भी मिल जाएगा। अगला वीडियो लगभग आपके 50-60 सवाल तो हो गए होंगे अभी तक। अगले वीडियो में बात करेंगे हम बाकी के बचे सवालों की, यानी कि पार्ट थ्री के अंदर। ये देख रहे थे आप पार्ट टू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो बात करेंगे हम पार्ट थ्री के अंदर बचे हुए सारे आरजे सेट सभी एग्जामिनेशन के, मतलब सभी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका, अगर एमएच सेट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो एमएच सेट का क्वेश्चन पेपर भी इसको जल्द से जल्द आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बहुत देर से आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए इसको अब, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूडीसी नेट या फिर राजस्थान सेट या तमाम प्रकार के सेट एग्जामिनेशन की, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, ठीक है, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।